सरकारी नीतियों के विरोध में आज देश भर के 1.25 लाख से अधिक LIC के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। इसी कड़ी में CM सिटी में भी LIC के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। सरकारी नीतियों के विरोध में इन्होंने जमकर नारेबाजी की। LIC के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार आम जनता का पैसा विदेशों में लगाना चाहती है, जिसे LIC बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता का वर्षों पुराना जो विश्वास है सरकार की नीतियों से, वह जनता पर कुठाराघात होगा। लोगों ने जीवन भर की कमाई LIC में लगाई हुई है, यदि इस कमाई का उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर LIC का क्या फायदा। सरकार जो नीतियां लागू करने जा रही है वह जनता के हित में नहीं है, इसलिए सरकार को इन नीतियों में बदलाव लाना होगा ताकि आम जनता का विश्वास बना रहे। यदि सरकार नहीं मानती तो LIC का आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के LIC के ऑफिस में। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारी तादाद में LIC के कर्मचारी यहां पर मौजूद है, जो कि सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, अपनी एकता को जिंदाबाद बता रहे हैं। आखिर इनकी क्या मुख्य मांगे, आखिर क्या कारण रहा कि आज इनको यहां पर बैठना पड़ गया, धरने पर बैठना पड़ गया। बताया ये भी जा रहा है कि ये देशव्यापी हड़ताल है। इनकी कुछ मांगे हैं, इनकी मांगों के बारे में, इनकी क्या मांगे और इनको क्या इनको समाधान चाहिए, इनसे बात हमसे बात करने के लिए कई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है। इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, आज की जो आपकी स्ट्राइक है इसका मुख्य एजेंडा क्या है? इसका मुख्य एजेंडा, हम निजीकरण के विरोध में स्ट्राइक कर रहे हैं। LIC के अंदर वेज रिविजन हमारा ड्यू है, 43 महीने हो गए उसको, 1/8/2017 से ड्यू है, आज तक वो सेटल नहीं हुआ। हमें स्ट्राइक करें, उसे तुरंत सेटल करो। और तीसरा जो मुद्दा है, सरकार LIC का IPO लाने जा रही है, इसको शेयर मार्केट लिस्टिंग करने जा रही है, उसके विरोध में स्ट्राइक कर रहे हैं। सर, कितने महीनों से नहीं हुआ अपना जो आपका सैलरी वाला बता रहे थे अभी आप? 43 महीने हो गए, 1/8/2017 से ड्यू है। और इनका ये कहना है कि 43 महीनों से इनकी सैलरी का था इशू जो अभी तक सेटल नहीं हो पाया। सर, आज की जो आपकी स्ट्राइक है इसका क्या एजेंडा है और आपका क्या मुख्य डिमांड्स हैं? मुख्य डिमांड्स हमारी जो है, IPO जो भारत सरकार लाना चाह रही है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का पैसा है जो LIC में लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक विश्वास यहाँ होता है, वो पब्लिक का पैसा है। ये सब उन प्राइवेट ऑपरेटर्स को देना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं, जो आज तक हम भारत सरकार को भी देते हैं पैसा, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है। लास्ट ईयर भी हमने 2700 करोड़ रुपये भारत सरकार को दिया है, इस साल भी हम लोग बहुत अच्छा काम किए, जो टारगेट थे हम लोगों ने सब अचीव करी है। एक भारत का विश्वास, भारत की जनता का विश्वास हम लोगों पर है, उस विश्वास के भरोसे पर हम लोग 73% मार्केट का शेयर LIC के पास है, बाकी 23 कंपनियों के पास 23% शेयर है। आप सोच सकते हैं कि एक भारत की जनता का कितना विश्वास है। 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं जो इस देश के, जो LIC से जुड़े हुए हैं, उनके हित की बात हम कर रहे हैं, उनके हित संवर्धन के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज ये विरोध कर रहे हैं। आज हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में, 1.25 लाख कर्मचारी हमारे, पूरे ऑफिसर्स, कर्मचारी, पेंशन साथी भी हमारे साथ हैं, इस विरोध के लिए कर रहे हैं। ये श्रृंखलाबद्ध हम काम कर रहे हैं। बैंक्स में आपने देखा 2 दिन की हड़ताल थी, 1 दिन की कल GIC का जो निजीकरण का है उसके विरोध में हड़ताल थी, आज हम LIC में, पूरे हिंदुस्तान में आज पूरे दफ्तर बंद हैं, इसका विरोध कर रहे हैं ताकि सरकार अपनी नीतियां वापस ले, जो जन विरोधी फैसले हैं उन पर दोबारा निर्णय करे, ताकि देश की जनता का जो हार्ड अर्न मनी है, जो पैसा कमाया हुआ है, वो देश के हित में ही लगे, इस संवर्धन के लिए हम लोग काम करते रहे। लेकिन इन्होंने बताया कि किस तरह से IPO के विरोध में है, जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सरकार निजीकरण करना चाहती है, जिसके फैसले के बिल्कुल ये खिलाफ है। मैं बात करने का फिर प्रयास करूंगा। एक और मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपकी जो तीसरी डिमांड है जिसमें हमें बताया गया कि बीमा क्षेत्र में FDIC में 49% से 74% करने का फैसला जो है, आप उसको डिनाई करने के ऊपर है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आम पब्लिक के ऊपर, जो करोड़ों जनता है, करोड़ों की जनता है, और जिनका करोड़ों रुपया, अरबों रुपया LIC में लगा हुआ है, पिछले कई वर्षों का विश्वास बना हुआ है, उसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता के विश्वास के ऊपर? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 47 से बढ़ा के 74 करने का जो फैसला करने जा रही है, उसे आम जनता, जिसका ये पैसा LIC इस तरह से यूज़ करती है कि लोक निर्माण के लिए, यानी कि पीपल मनी फॉर पीपल्स गुड, अगर ये फायदा, यही सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट हमारे फ़ौरन हाथों में जाती है, दूसरे उसमें जाती है, तो
आम पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान है। जो बोनस डिक्लेरेशन है या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सारी अफेक्टेड होंगी इससे। आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जो यहाँ का पैसा, जो यहाँ का पैसा था वो जो सरकार है वो फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहती है, 47% से बढ़ाकर जो 74% करने का जो फैसला उन्होंने लिया है उससे आम जनता को नुकसान हो, क्योंकि आपने अभी बताया कि आम जनता को समझना चाहिए इन चीजों को और निजीकरण में हमारी सपोर्ट करनी चाहिए और सरकार का विरोध करना चाहिए। मैडम, अगर आपकी डिमांड नहीं मांगनी मानी जाती, अगर सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेती, तो इसकी आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? तो हम आगे और विरोध करेंगे, जैसा हमने आज किया है उन नीतियों के विरोध में ही आज हमने जो आज किया देश है। भर में लगभग 1.25 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर, आज हमारी LIC के पूरे भारत में आज हड़ताल पर है पूरे लोग। हम बात करें सरकार की विरोध नीतियों पे ही आज हम बात करें, अगर हम बात करें तो इस समय LIC के कितने पॉलिसी होल्डर्स होंगे? LIC के पॉलिसी होल्डर तो आप सबने बीमा करवा रखा है, हमारे 1,32,00,000 के करीब हमारे एम्प्लॉयज वो उसमें बीमा होल्डर हैं, उनका जो हार्ड अर्न मनी जो है उनका कमाया, उनके बोनस पे हकों पे हमारी सरकार उन पे हक पे वो छापा डाल रही है। देखिए, इन्होंने यह बताया कि सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं वो जन विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जनता का पैसा जनता ने LIC में लगाया है। करीब 1,32,00,000 से अधिक यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के, और आज मैं आपको बता दूँ कि 18 मार्च को देश भर में करीब 1,25,00,000 से अधिक LIC के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के कारण आज स्ट्राइक पर बैठे, और उनका ये भी कहना है कि यदि सरकार इनकी मांगे नहीं मानती और अपने जो फैसले हैं निजीकरण के, जो फैसले हैं, जो FDI के अंदर जो सीमा बढ़ाई गई है 49% से 74% करने का जो फैसला है, सरकार अगर वो नहीं लेती, फैसले को वापस नहीं लेती, तो ये आगे की रणनीति को और भी तेज चलाएंगे और उनका आंदोलन और भी तेज होगा। ये झुकने वाले नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ये जनता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते, जबकि सरकार ये चाहती है कि जो जनता का पैसा है वो फॉरन में इन्वेस्ट कर दिया जाए, जो इसके बिल्कुल खिलाफ यहाँ पर ये आज स्ट्राइक पर हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चोरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक